फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून ऑयल, इसे मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और पिंच ऑफ हींग, ज़ीरा हींग 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। क्रैकल होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और प्याज, एक बड़ी प्याज मैंने कट की है और चॉप की हुई एक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से एक या दो, जितना आपको तीखा पसंद है वैसा ऐड कर सकते हैं। इसे हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा पिंकिश ब्राउन होने के लिए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज हो गई, अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। ये मैंने एक आलू को चॉप किया है, एक बड़ा आलू मोटे पीसेस में चॉप किया हुआ। इसे हम ढक करके या कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ये आलू हमारा हो गया है। अब हम इसमें चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे। 250 ग्राम फ्रेंच बीन्स मैंने जो है ऐड की हैं, इन्हें मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है धो करके, और फिर हम इसे इसमें डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे ढक करके कुक करेंगे। हमें फ्रेंच बीन्स और आलू को सॉफ्ट होने तक कुक करना है। इसमें कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। आधी कुक हो चुकी है फ्रेंच बीन्स। ये बीन्स और आलू हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए। ये 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट या एज पर योर टेस्ट, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के बराबर पानी ऐड किया है मैंने कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी में। अब इन्हें मिक्स करने के बाद हम ढक करके फिर पकाएंगे इसे, जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। हमारी सब्जी जो है 2 से 3 मिनट बाद ऐसी दिख रही है पकने के बाद। अब हम इसमें गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। हमारी सब्जी रेडी है। इसे आप सर्व करिए चपाती या पराठे के साथ और इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय।